नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारी खास पेशकश नगर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी में इस वक्त चुनावी हलचल ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि यूपी में दो चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। जी हां, इस दौरान 75 जिलों में दो चरणों में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, जिसके नतीजे 13 मई को घोषित हो जाएंगे, जिसके लिए तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से भी लगातार समर्थन मांगने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं इस दौरान भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल ने खुले तौर पर भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। संगठन के जिलाध्यक्ष नीरज गुप्ता ने संकल्प लिया है कि वो भाजपा के सभी प्रत्याशियों का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। यही वजह है कि वो चिन्हट क्षेत्र के सभी भाजपा पार्षद प्रत्याशियों को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी अरुण राय, शैलेंद्र वर्मा, योगिता यादव को भी उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। वही चिन्हट क्षेत्र के सभी भाजपा पार्षद प्रत्याशी उनके कार्यक्रम में भी शामिल हुए। व्यापार संगठन के जो भी कार्यालय है एंजल स्वीट्स पर यह बैठक हुई है, जहां उन्होंने ऐलान किया है कि वो भाजपा के सभी प्रत्याशियों को अपना पूरा समर्थन देंगे। वहीं इस दौरान अध्यक्ष नीरज गुप्ता ने एक नारा भी दिया, जिसके साथ व्यापारी अब की उसकी बारी, और ये नारा देते हुए उन्होंने भाजपा के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको बैठक के दौरान अपना पूरा समर्थन दिया। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी अरुण राय, शैलेंद्र वर्मा और योगिता यादव को अपना पूरा समर्थन दिया है और ये सभी प्रत्याशी इस दौरान कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। तो वहीं इस दौरान हमारे साथ भारतीय उद्योग किसान मंडल के जिलाध्यक्ष नीरज गुप्ता जुड़े हैं। नीरज जी, पहले तो मैं प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। जी नीरज जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 मैं जी नीरज जी, सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी धन्यवाद। नीरज जी, जिस तरीके से आपने भाजपा के सभी प्रत्याशियों को पूर्ण रूप से समर्थन दिया है, आखिर वजह क्या रही जो लगातार आप भाजपा के प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं? एक्चुअली ये बात मैडम, मैं हम लोग व्यापारी समाज से आते हैं, लगभग मैं पाँच साल से लगभग जो है अपने व्यापार मंडल में जिला अध्यक्ष हूँ। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल एल्डको चिन्हट गोमती नगर उद्योग व्यापार मंडल में जिला अध्यक्ष नीरज गुप्ता लखनऊ से। पहले तो आए उस आप मीडिया माध्यम से सभी आपका स्वागत, मीडियम और सभी आए हुए जितने व्यापारी और सभी संगठन के सभी दल के सबका स्वागत करता हूँ। एक अगवान में सभी जो एक साथ खड़े हो गए और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, मानिए जो भी योजना है, मानिए प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की, ब्रजेश पाठक जी की, इसी को सबको बहुत इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सही दिशा और माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। व्यापारियों के लिए रात दिन हर समय मतलब उनके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका संदेश जो है उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं कि हम लोगों ने 28 तारीख को भी प्रदेश कार्यालय में अपने जिला और प्रदेश कार्यालय पूरी कमेटी के साथ भाजपा ज्वाइन किया बड़े पैमाने पे। हम लोग आगे जितने भी जिसके साथ होगा व्यापारी और वही बनेगा प्रत्याशी। हेलो जी नीरज जी, अभी आपने जिक्र किया कि आप जो भाजपा की नीतियां हैं जो उन्होंने व्यापारियों के लिए लागू की है उससे आप प्रभावित हैं, तो ऐसी कौन सी नीतियां रही जिससे आप इस हद तक प्रभावित हो गए कि आपने खुलेआम भाजपा के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया है? मेरे 15 साल के कार्यकाल में जिससे मैंने बहुत संभाला है, मैं 5 साल से व्यापारी राजनीति में कर रहा हूँ, लेकिन 5 साल में जितनी सुविधाएं और जितनी ये मानी व्यापारियों को सुविधा था, हर मुद्रा लोन और हर चीज की व्यवस्था नगर निगम से कोशिश से जितने व्यापारी जहाँ से भी सुविधा मिली है उनको कहीं ना कहीं उनको राहत मिलने का काम है, इससे ज्यादा हमको लगता है उम्मीद जितना मिला है आगे 5 साल के अंदर और भी ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल नीरज जी, लगातार आप इन प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अब चुनाव प्रचार में महज एक या दो दिन का ही समय बाकी रह गया है, तो आप इन प्रत्याशियों का जो समर्थन है वो किस तरीके से करने के प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच कैसे पहुंच रहे हैं? जो व्यापारी समाज से आते हैं, ये आदमी कहीं प्रचार करता है कॉलोनी कॉलोनी घर घर प्रचार करता है, तो वहां पर तो सिर्फ महिलाएं और जो कॉलोनी लोग वही जानेंगे, लेकिन हम लोग व्यापारी हैं, व्यापार में लोग कम से कम 100-200-500 अप्रोच अप डाउन करते हैं लोग, तो हम लोग ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं प्रत्याशियों का कि किसकी आपकी बार किसकी बार कौन जीतेगा कौन है, तो हम लोग बड़ा सोच समझ के
सभी व्यापारी संगठनों से बात करके तो हम लोग ने मन बना कहा कि आपकी भारतीय जनता पार्टी को सभी प्रत्याशी माननीय मेयर साहब को भी भारी मतों से जिताने का व्यापारी सब काम करेंगे। ठीक है नीरज गुप्ता जी, आपके संगठन ने तो भाजपा को पूर्ण समर्थन दिया है, तो क्या और भी कोई संगठन है जो इस दौरान आपके साथ जुड़े हैं ताकि वो भी भाजपा को अपना पूरा समर्थन दे? हमारे सारे संगठन पिछले व्यापारी समाज के सबसे लगभग बात हो गई है, जिला स्तर से और प्रदेश स्तर से बात हो गई है। हमारे माननीय मुंडा भैया प्रदेश अध्यक्ष जी है, वो भी लगे हुए हैं कि कैसे भी सबको सारे व्यापारी सबको एक छत नीचे लाए, जो भी और भी संगठन जो और दल के हैं उस सब तो कोशिश किया जाए भाजपा में ला के भारतीय जनता पार्टी को जो है विजय बातों से जिताया जाए और आगे मिलकर एक दूसरे मिलकर उस पर काम किया जाए। ठीक है नीरज, अभी आपने जिक्र किया कि 5 साल पहले व्यापारियों को बहुत परेशानी होती थी, उस परेशानियों को जरा डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए मैम, व्यापारी जो भी था, जैसे कहीं लूटमारी हो रही थी, कहीं कुछ ना कहीं कहीं भी लूट हो रही, कहीं गुंडाई हो रही, कहीं हत्याएं हो रही थी, तो काफी असर भाजपा सरकार बनने के, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से उसे गवर्नमेंट में आए, सबसे बहुत से लूट मार और कई समस्याएं का व्यापारी को राहत मिली। ठीक है नीरज जी, कब आपने मन बनाया कि आपको भाजपा का पूर्ण रूप से समर्थन करना है, या आपके दिमाग में कब ये इच्छा आई कि अब आप भाजपा का समर्थन करेंगे या उनके प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे? ये हमारी मतलब बातचीत चल रही थी जब लगभग 3-4 महीने पहले से चल रही थी, सभी संगठन से हमने भी होली मिलन समारोह, व्यापारी मिलन समारोह, सम्मान समारोह भी कराया था, उसमें सभी दल के व्यापारी नेता सब आए थे, एक सबके इकट्ठा हुए थे, तो उनसे बातचीत चल रही थी कि जो अपने लोग हैं, अपने व्यापारी जो अपना समाज बनना चाह रहा है, जो सही काम कर रहा है, जो प्रत्याशी अच्छे वास्तव में काम किए, 5 साल काम किया है, वोट दिए जाए, तो हम लोग उनसे भी खुश होकर उनका उनको जिताने का दोबारा जिताने का प्रयास करेंगे। ठीक है नीरज जी, आप एक बड़े और अहम पद पर काबिज हैं। जी नीरज जी, आप एक बड़े और अहम पद पर काबिज हैं और आपने कहा कि इन 5 सालों में व्यापारियों के हित में बहुत काम हुए हैं, तो किस तरीके से आपने बदलाव देखा है? बदलाव जब चर्चे में कोई बात आती है, सभी व्यापारी हमारे से आज शांति से रात 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं जाना है, पहले 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सन्नाटा होता, कहीं ना कहीं व्यापारी भगता की कैसे जाए गई कोई समस्या, लूट मारी या फिर सब खत्म हो रहा है, तो सुविधाएं बहुत अच्छी है, इससे ज्यादा चलो जो भी है आगे 5 साल में उन्हें बताया, उम्मीद है हमको कि आगे व्यापारियों के लिए या सभी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होंगी और बहुत अच्छा कार्य होगा। अभी जितने भी ये छोटा चुनाव 5 साल बाद मानिए लगा चुनाव है, इसी में बदलाव देखने को मिल जाएगा व्यापारियों के लिए, समाज के लिए, और हर सबको संदेश मिलना शुरू हो जाएगा अगले 1 साल के अंदर। ठीक है नीरज जी, जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं प्रत्याशियों के साथ और जब लगातार आप लोगों से जन समर्थन करते हैं या उनका समर्थन मांगने का प्रयास करते हैं, तो लोगों में खुशी किस तरीके से देखने को मिलती है? लोगों को क्या है, वो मैडम सब कुछ है, इसलिए हमने बड़ा सोच विचार के मन बनाया कि हम तो किसी पार्टी में थे नहीं, ना किसी पार्टी से मिला था, मैं व्यापारी कर रही थी, मैं व्यापारी कर रही थी संगठन बिना दल के, मैं अपने व्यापारियों के साथ काम कर रहा था, सिर्फ तो इसे यहाँ चर्चा हुआ हर कॉलोनी में जहाँ घर परिवार जो समाज में निकलते हैं, हम तो सब समाज के लोग हैं, तो सभी लोग से बात हुई कि इससे बेटर उपाय और इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा। ठीक है नीरज जी, अभी आपने जिक्र किया कि आप अब भाजपा के प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं, वहीं अभी 5 साल से आप भारतीय उद्योग किसान मंडल के जिला अध्यक्ष के पद पर भी रह रहे हैं, तो ये आपका सफर कैसा रहा, आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया तब जाकर आप इस पद पर काबिज हुए? ये ऐसा है, जब हम लोग पहली बार हमको कॉल आया हमारे माननीय राजनीतिक गुरु है ऋषिकेश गुप्ता जी, तो मैं एक आम आदमी बिजनेसमैन था, तो वहां से फोन आया, मैं ऐसे मुलाकात हो गई, तो मतलब कि आपसे जो राजनीति का इंटरेस्ट है आपको, तो हमारे रितेश गुप्ता हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने संदीप बंसल जी के साथ थे, तो उन्होंने फोन आया कि उन्होंने इस बार मुलाकात को देखा, मैं क्या देखा, मुझको लगा कि व्यापार के समाज के लिए कुछ कहा जा सकता है जो है, और कुछ अच्छा लगा हमको, उन्होंने फिर उनको ज्वाइनिंग कराई, मैं एक सदस्य बना, अभी बात धीरे धीरे हमारे माननीय बहुत साथी शुरुआत में जो लोग जुड़ने के लिए कह रहे थे भाई कैसे होगा क्या होगा राजनीति में आप नए हो कैसे है, तो सबका प्यार सबका सम्मान, जैसे हमारे सबसे पहले
पंकज गुप्ता जी पाटा जी हमारे व्यापार मंडल के सबसे पहले सदस्यता है। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा आपके साथ है, अपने प्रमोद भाई है, आशुतोष खरे जी है, रमे भाई जी है, श्री कुमार है, पप्पू भाई जी है, अमन कुमार है, सनी है, थापा जी है और सक्सेना जी है, शेर बहादुर थापा जी है, अपने बड़े भाई है धीरज गुप्ता जी है, बाकी सबका साथ समाज के लेके, इसलिए सब धीरे धीरे जब एक से मतलब हमें जब अकेले था धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर ही लगभग 70-80 आदि टीम बन गई अपने अपने पांच व्यापारियों का। उसके बाद वो लोग जुड़ते रहे और कारोबार बनता रहा, चले थे अकेले तो कहीं ना कहीं हमने समाज सेवा बिना बिना तन मन बिना भेदभाव के बिना बिना राजनीतिक दल से भी हट के हम लोगों ने स्वर कमेटी बनाई थी, उसमें हम लोग लग के काम किया। तो जो भी कोरोना टाइम है और जो भी जितनी समस्या है जो व्यापारी से या बिना व्यापारी की कहीं भी उसकी, तो हम लोग रात दिन बिना उसके लगे रहते हैं कि व्यापारी पहुंच जाए, भला हो जाए किसी का, हम लोग के माध्यम से किसी की भला हो जाए, किंतु हम लोग उसी में भगवान ने जो दिया है उतना मेंटेन है, सबका प्यार बना रहे ऋषि और क्या। बिल्कुल नीरज जी, अक्सर हमने देखा है कि राजनीति और जो व्यापार है इसमें आपस में सामंजस्य बिठाने में कहीं ना कहीं बहुत तकलीफें आती हैं, लेकिन आज जब हमने आपको देखा कि आप पार्षदों को समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसे में आप व्यापारियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे व्यापारी भाई से हमारे जिला और प्रदेश के कार्य लखनऊ में जो 110 वार्ड है, जहाँ जहाँ भी हमारे प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, और प्लस जो हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, मंडल अध्यक्ष महामंत्री जो भी जो पद पे है, सभी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें और उसको भारी मतों से जिताएं, और सभी प्रत्याशी जो है 110 पार्टी ने 110 प्रयास करेंगे, 110 की 110 उन लोगों ने जिताके लाएंगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है नीरज जी, वैसे तो प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, लेकिन भाजपा का ही समर्थन क्यों? वो कुछ जैसे हमारे अरुण राय जी बैठे पराये पार्षद, हमारी भाभी जी पार्षद थी, आज प्रेजेंट टाइम में प्रत्याशी है हमारे, उसे कहीं ना कहीं हम राजनीतिक पार्टी में नहीं थे, लेकिन हमको जो भी प्यार सुविधा और मोहब्बत मिली है अपने भाई से मिली है, कि हमको कहीं कहीं जाए कहीं लगता है कहीं कमी हो रही है, तो हमारे बड़े भाई ने हमको सहयोग किया बिना कोई दल के पार्टी में, यदि भी व्यापार मंडल अध्यक्ष थे हम भी, हम लोग तालमेल मिला के हमेशा जान के व्यापारियों कैसे भला हो, पार्टी अपनी का है लेकिन व्यापारी हित में हमेशा व्यापारियों के लिए एक छत के लिए एक सबने मिलकर काम किया हमेशा, इसीलिए हम लोग तालमेल मिले रहे, इसलिए काम चलता रहा। बिल्कुल नीरज जी, आप लगातार प्रत्याशियों के बीच भी मौजूद रहे हैं, और आपको इन प्रत्याशियों से उम्मीदें क्या क्या हैं कि अगर ये जीत जाते हैं तो ये किस तरीके से क्षेत्र के साथ साथ जो व्यापारी है उनका भी ध्यान रखेंगे? जी ऐसा है, जैसे कि आप मानिए प्रत्याशी जो होता है नगर निगम का, वो नगर निगम के जो रोड सड़क नाली और भी सुविधाएं जो है दिला सकते हैं, लेकिन हम व्यापारियों क्या चीज, व्यापारी को व्यापारी व्यापारी के जैसे मान ली हम लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे व्यापारियों के आगे नाली है, सड़क है, जो व्यवस्था है हमको पता है, वो उम्मीद हमारे माननीय पार्षद जी जो है बांटते हैं, और भी जो प्रत्याशी हर बात हर व्यापारी है, व्यापारी की कोई समस्या ना वो खड़े हो जाते हैं, और गंदगी जो है वो भी झाड़ू कुछ कोई समस्या नहीं आती, कभी नहीं आई है अभी तो चेहर बात से कभी नहीं है, जहाँ हम लोग हमने सपोर्ट तो हमने जो है अभी तक भाजपा का अपने माननीय अनुराग जी का किया है, बाकी अब जो बाकी जो भी और करके और भी जो प्रत्याशी है हम लोग उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे लखनऊ में पूरे हर व्यापारी तक बात पहुंचा रहे हैं व्यापारी के माध्यम से, कि हर प्रत्याशी अपना वोट भाजपा को दे और सोच समझ के दे। ठीक है नीरज जी, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो व्यापारी है वो अक्सर मौजूदा सरकार पर कहीं ना कहीं रोष दिखाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि जीएसटी की वजह से काफी नुकसान हो रहा है उनका। उससे लाभ भी तो मिल रहा है मैडम, जीएसटी आने से लाभ भी तो मिल रहा है। बिल्कुल, अब जो जो आदमी जो सुविधा जो आदमी जैसे बहुत संगठन ऐसे जिसको मालूम है हल्ला मचाने विपक्ष का काम है, तो वैसे समझ लीजिए व्यापार मंडल में भी कुछ लोग विपक्ष में है, वो हल्ला मचाएगी, हल्ला कैसे काम होगा, तो ये जीएसटी आने जीएसटी की सुविधा आप सही से मानिए, जीएसटी आप पढ़िए और जीएसटी से नॉलेज दीजिए पूरा, जीएसटी में कोई घटना घटती 10 से 15 लाख रुपए का आपको उसमें मिलेगा, बल्कि जीरो जीरो कोई खेला वाला या कोई किसी प्रकार का भी छोटे छोटे दुकानदार है वो जीएसटी के अंदर आता है तो उसको बहुत सी रजिस्ट्री सुविधा मिलेगी, लेबर रजिस्ट्रेशन जैसे होता है लोग नहीं कराते हैं व्यापारी, लेबर रजिस्ट्रेशन में भी इतनी सुविधाएं है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जीएसटी है, लेबर डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है लेबर व्यापारी के बीच में सबके सुविधाएं है, सबका एक वो मुद्दा है, सबके कार्ड सारी सुविधाएं सभी को सुविधाएं व्यापारी और संगठन के लोग
वो निश्चित व्यापारी तक पहुंचा सके, जनता तक पहुंचा सके। ठीक है नीरज जी, जब आपने ये सोच लिया कि अब आप भाजपा के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे, तो क्या कहीं से आपको विद्रोह की आवाज सुनाई दी कि नहीं आप क्यों समर्थन कर रहे हैं, या आपने या आप क्यों जो पार्टियां हैं उनको इतना ज्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं? मेरे 5 साल कार्यकाल में मैंने किसी मतलब जो भी इतनी संगठन है किसी से मतलब कोई हमारे लेकर अपना व्यापारी है व्यापारी हमने चलाया अपना किसी से मतलब भेदभाव नहीं है, सबका सम्मान है। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, उसी में कार्य में हम भी अपने व्यापार मंडल चलते हैं सबका साथ सबके विकास में लगे हुए हैं, उनके उनके आह्वान से हम लोग जो है चलते हैं। आज पिछड़ा वर्ग और जो भी वर्ग है सब आज खुश है अच्छे है, सब घर तक सुविधा पहुंच रही है, वाटर से घर घर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, जन की जो भी सुविधा है सब मिल रही है, और हम लोग अपने व्यापारी ने सब एकजुट करके ये सोचा है आप जो भी सुविधाएं रह गई है जो बात नहीं पहुंच रही पब्लिक तक या व्यापारियों तक, मानिए पार्षद जी वो भाजपा में रहेंगे और पार्षद जी जिला के लाने के बाद ये सुविधाएं उनसे कुछ उनसे नारे उनके साथ मिलेंगे व्यापारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है नीरज जी, आज एक अहम एक बैठक भी हुई है आपके कार्यालय पे, तो उस बैठक के दौरान कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पर आपने चर्चा की? मुद्दा ऐसा कोई अभी तो नहीं, अभी तो चुनाव का है, चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव जिताने के बाद जो बाकी मुद्दा जो भी है सबको मालूम है, माननीय पाठक जी खुद व्यापारी नेता है उनको पता ही लगभग जो है कि सब कैसे व्यापारी का सम्मान और व्यापारी अपना सम्मान बचा चाहिए सम्मान देने का काम हम लोग सभी व्यापारी सभी सबका सम्मान करते हैं हमेशा, लेकिन एक व्यापार मंडल के तभी ऐसा नहीं हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है सभी का साथ सभी का विकास को लेकर सभी को जोड़ के साथ में चल रही है, मात्र एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, पाटिल जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मंडल के सभी भारतीय जनता पार्टी को सभी का बहुत धन्यवाद। ठीक है नीरज जी, अब आप अपने नारे के माध्यम से और प्राइम टीवी के माध्यम से जो जनता है उनसे क्या कुछ अपील करेंगे? जनता से यही करेंगे अपना वोट सोच समझ के दें, हमने अभी कल परसों से कल दिया कल तक जो है जस्ट अपने सभी व्यापारी भाई से सलाह देंगे कि जो है अपने एक होर्डिंग एक एक सेफ्टी पॉइंट बनाए मतलब व्यापारी को इस तरह लगाए 10% डिस्काउंट जो 5% जिसका जिसका भी जो भी सोच है जो वोट देके आएगा जो फिर भी फोटिक्स आएगा वो भी जो दिखाएगा फेसबुक पे उसको 10% डिस्काउंट में किसी प्रकार का किसी का कोई बिजनेस हो वो 10% डिस्काउंट देने का काम करेगा सभी व्यापारी का। बिल्कुल धन्यवाद नीरज जी, और आप सभी पार्षद प्रत्याशियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि लगातार हमारी टीम जो है वो हर एक वार्ड में पहुंच रही है और जनता के बीच भी लगातार पहुंच रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर वहां के मुद्दे क्या है जिस पर तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो जनता से अपना समर्थन मांग रहे हैं। तो इसी बीच हमारे साथ भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष नीरज गुप्ता जी भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों को खुले रूप से अपना समर्थन दिया है। साथ ही साथ अब वो व्यापारियों से भी अपील कर रहे हैं कि लगातार जो सभी व्यापारी है वो भाजपा को वोट दे, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाजपा ने 5 सालों में व्यापारियों के लिए भी काम किया है और भाजपा ने ये बात बिल्कुल सच करके दिखाई है कि सबका साथ और सबका विकास। तो संग्राम के हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।